राकेश में गौरव सिटी नाम की सोसाइटी में 416 परिवार किस तरीके से गंदगी में रह रहे हैं और उसी गंदगी में मजबूरी वर्ष अपनी जीवन काट रहे हैं। जयेश शाह के पास ये लोग 6 साल से लगातार अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आपको बता दें, जयेश शाह की लापरवाही के कारण गड्ढे में 7 वर्षीय एक बालक की जान भी चली गई और उसी गड्ढे में गंदा पानी होने से सोसाइटी के लोग मलेरिया, डेंगू और अन्य प्रकार की कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। सोसाइटी के लोग, महानगर पालिका, प्रशासन, विधायक, कॉरपोरेटर और अन्य कई जगहों पे गए, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इसी वार्ड से हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी भी विधायक हैं। सोसाइटी के लोगों में बहुत आक्रोश भी है कि अपने खुद आमदार जब उनकी मदद नहीं कर रहे तो कौन उनकी मदद के लिए आगे आएगा। आप आगे चल के देखिए किस तरीके से सोसाइटी के लोगों ने अपना दुख और दर्द बयान किया। बहुत बड़ा सीन है, बेबी खत्म हुआ, एक बच्चा खेलते खेलते गया, काफी वाटर वगैरह था, 3 बच्चे गए थे, एक बच्चा डूब के खत्म हो गया, 2 बच्चे फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे, नॉट इवन प्रशासन का कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं। हाउ आर वी गोइंग टू स्टे हियर यार, दिस इज रियली अ पैथेटिक सीन। हम आए हैं गौरव सिटी फेस 2 में। आपको बता दें कि यहाँ आम जनता किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रही है। बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं, पुराने बिल्डिंगों को छोड़ नई बिल्डिंगों में राज रचने का उनका काम। अपनी नई बिल्डिंग बनाने के चक्कर में पुराने रहवासियों को आने वाली तकलीफें किस तरीके से हो रही है मैं अब आपको बताती हूँ। ये रहा हमारे सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गटर का पानी यहाँ जमा हो रहा है, जिसमें 1 साल पहले 7 वर्षीय बच्चे की जान भी जा चुकी है, लेकिन बिल्डर को किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो बच्चे की जान गई चाहे कुछ गई, उसी तरीके से गंदगी मचा रखी है। मीरा भाईंदर में इतना डेंगू का प्रकोप होने के बावजूद हमारी प्रशासन, हमारी मानपा कहाँ सोई भी है, उनको ये सब गंदगी नजर नहीं आ रही, ये हमारे आम रहवासियों के तकलीफों को नहीं नजरअंदाज कर रही है। आइए आपको और कुछ पल दिखाते हैं। ये सोसाइटी के 5-6 पेड़ जो है उन्होंने ऑलरेडी अपने कब्जे में ले रखा है, जो कि बाउंड्री आप देख सकते हैं कि दो तरफ बांधी है। कुछ पेड़ उन्होंने पुरानी बाउंड्री की तरफ भेज दी है और कुछ पेड़ उन्होंने यहाँ रखा है जो कि गैर कानूनी है, जो कि ऑलरेडी पुरानी सोसाइटी का है। माना जाता है कि ये जो जगह है वो बीएमसी गार्डन आयुक्त की रिजर्वेशन प्लॉट थी, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर ने यहाँ टीडीआर वगैरह पास करा के इतना बड़ा आलिशान आशियाना बनाया है। आइए सोसाइटी के कुछ लोगों से रूबरू होते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से इतनी भारी समस्या का अपने आप में उलझनों को समेटते हुए काम कर रहे हैं। चल थोड़ा सा इधर का भी कर, थोड़ा सा यहाँ से भी ये लिया ना, 5-5 पेड़ के झाड़ का थोड़ा सा आगे लेते हैं और फिर उधर से भी लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस सोसाइटी में ये है कि इनका जो सीवेज का पानी निकलता है उसके लिए इन लोगों ने एक टैंक बना रखी थी, जिसको बिल्डर ने जबरदस्ती ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी बिल्डिंगों में गटर का पानी जो है वो लॉग इन हो जा रहा है। और आप जानते ही हैं किस तरीके से डेंगू के प्रकोप ने लोगों में दहशत फैला रखी है। इस तरीके की गंदगी से इस रहवासियों के साथ क्या होगा इसका तो खुदा ही। स्थानीय जो रहवासी हैं सिटी गौरव सिटी के, उनसे रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो समस्याओं का समाधान खुद से निकाल रहे हैं, जो कि बिल्डर आप देख सकते हैं खुद इतनी ऊंचाई पे बना रहा है और जो पुराने रहवासी वो ऑलरेडी नीचे हैं, जिसकी वजह से पानी यहाँ पूरा का पूरा बह के आने की वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही है। आइए सोसाइटी में हमारे बीच है माधुरी, उनसे जानते हैं, सोसाइटी की सेक्रेटरी है माधुरी जी, कि किन किन समस्याओं से वो उलझ रही है। मैं लेती हूँ मैडम, हम गौरव सिटी रहवासियों की तरफ से बोल रहे हैं, मैं एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ, यहाँ पर 10 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, हम 10 साल से ये बिल्डर का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, करीबन 5 से 6 साल हुआ है इन्होंने ये बाउंड्री वॉल तोड़ा है, दोनों बिल्डिंग के कंपाउंड के बीच में एक बाउंड्री वॉल आती है, क्योंकि हमारा सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर 1 होने की वजह से इसने ये बाउंड्री वॉल तोड़ दिया है। जहां तक हमारी नॉलेज है, हमारे एग्रीमेंट में और बीएमसी के प्लान के हिसाब से यहाँ पर बीएमसी का गार्डन बनता है। जब हमने फ्लैट खरीदा तब हम सब लोगों को बताया गया कि ये बीएमसी गार्डन की जगह है, यहाँ पर तालाब था पहले, अचानक एक बिल्डिंग का काम चालू होता है, ठीक है, वो जगह उनकी है, हमको उस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन हमको अराउंड 6 साल से इतनी तकलीफ हो रही है कि ये ऊंचाई पर होने की वजह से, ढलान होने की वजह से ये सारा पानी हमारे कंपाउंड में आ रहा है। हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट्स है, वो सारे फ्लैट्स के अंदर तक पानी जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसने यहाँ पर कोई सेफ्टी नॉर्म्स रखा हुआ नहीं है, जो सेफ्टी ग्रीन कलर का बाउंड्री बांधा जाता है
सेफ्टी के लिए, वो कुछ भी नहीं है, ऊपर से सीधा कचरा फेंकते, ईंट फेंकते, पत्थर फेंकते, वो हमारे कंपाउंड में आता है। बाउंड्री वॉल भी नहीं बांधा हुआ है, ना पत्रे बांधे हुए थे। एक बच्चा खेलते खेलते इनके कंपाउंड में गया और उसकी डेथ हो गई, उसका भी प्रशासन ने कुछ भी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, वो मैटर दब गया। पानी में डूबकर बच्चा खत्म हुआ, उस चीज को भी प्रशासन ने एकदम इजीली ले लिया है। आज इनकी वजह से हमको इतनी तकलीफ हो रही है कि पानी आ रहा है, कचरा आ रहा है, हमारा सेफ्टी चैम्बर जो बेसिक नेसेसरिटी है वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया तोड़ के। और इनके कॉन्ट्रैक्टर को और इनके सुपरवाइजर को हम बुलाने जाते हैं तो बोलते हैं जो करना है आप कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। तो कम्प्लीटली ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन आंटी है, 75 इयर्स ओल्ड, उन्होंने यहाँ के लोकल नगर सेवक को बुलाया था, वो खुद गई थी, नगर सेवक ने आके देखा, पिक्चर्स देखे, हमने सीढ़ी बनाई थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आम जनता सिर्फ टैक्स भरने के लिए है, हमारा पानी काटने के लिए आते हैं, अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं तो। आज हमारी सिचुएशन क्या है, हम कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है यहाँ पर रह रहे, तो हम एक रेसिडेंस है, हम इतने लोग यहाँ पर रहते हैं। डेंगू मलेरिया की मुहिम आज स्थानीय जो यहाँ पर पार्टी चल रही है वो डेंगू मलेरिया की मुहिम उठा रहे, स्वच्छ भारत अभियान का उठा रहे। जब हमारे यहाँ इतना पानी भर रहा है, यहाँ पर डेंगू के वाटर ब्लॉकिंग हो रहा है, यहाँ पर डेंगू के मच्छर पैदा हो रहे हैं, हमारी विंडोज यहाँ पर है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे सीनियर सिटीजन चल के बाहर नहीं जा सकते, तो प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहे हैं, हम किसके पास जाएंगे, हमारे सारे नेता क्या करेंगे। ना हमारी सुनवाई नगर पालिका में हो रही है, ना पुलिस स्टेशन में हो रही है, ना बिल्डरों की हो रही है, यहाँ पर राज सबका चल रहा है, उसमें हम आम जनता मर रही है। इसके प्लीज आप कुछ ना कुछ कीजिए, हम सब आपका साथ देंगे। अगर नहीं होएगा तो हम सब यहीं पर बैठे रहेंगे, हम अपने अपने घर पे नहीं जाएंगे, लेकिन प्लीज हमारा साथ दीजिए, हमारी आवाज सुनिए, यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं एज ए सेक्रेटरी। मैं हमारा 10 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, 416 फ्लैट है, मतलब आप सोच सकते हैं मैडम कम से कम 2000 पब्लिक इस कंपाउंड में रहती है। अगर हम 2000 पब्लिक के लिए कोई नहीं सोच रहा है तो क्या किया जाए, हमारे बच्चे घुटने तक पानी में यहाँ से चल के जा रहे, ये सीनियर सिटीजन को कुछ होएगा तो कैसे लेके जाएंगे हम दवाखाने में। ये बेसिक चीज है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। आरोग्य विभाग कहाँ है, आरोग्य विभाग कहाँ है, नगर रचना डिपार्टमेंट कहाँ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कौन देखेगा। हम मर जाए तो हमको जहर लाके बिल्डिंग वाले दे दें, हम मीडिया को बुलाते सब खा के एक ही साथ मर जाएंगे, अगर उनको शांति मिलती तो बेटर है। एक बच्चा जाने के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या किया जाएगा। आंटी आपने यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है उनको खुद बुला के यहाँ कंप्लेन, मैंने नरेंद्र मेहता को मैंने इधर बुलाया था, उन्होंने बोला था कि नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि ये सब ठीक करके दूंगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। इसके बावजूद पहले पानी नहीं आता था, साइड की जो लाइटें हैं वो लाइटें बिल्डर ने बिल्कुल तोड़वा दिया है, बिल्कुल हमारे पास अंधेरा है। इधर हमारा जो गार्डन है, गार्डन एरिया है, बीएमसी का गार्डन बनना था, उधर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी किया है। हम लोग जो आज एक महीने के बाद में मैं इधर नीचे उतरती हूँ, उतरा नहीं जाता है, इतना तक पानी भरा हुआ है कि हमको इतनी परेशानी हो गई है कि हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अभी क्या करना है वो हमको हेल्प कौन करने वाला है वो हमको बोला जाए। पास लेटर है, नरेंद्र मेहता सीढ़ी है, नरेंद्र मेहता इधर आया था, हमने सीढ़ी लगाई थी, सीढ़ी लगाने के बाद इधर सीरा पूरा कॉम्प्लेक्स का इसने मायजा लिया था, पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज 2010 में 6 साल, ऑलमोस्ट छह साल हो गए मैडम। यहाँ पर सिर्फ बिल्डरों की मनमानी चल रही है, हमको स्थानिक नगर सेवक नेता हमको किसी से कुछ मतलब नहीं, हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, क्यों यहाँ पर नगर पालिका में, हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है, लेकिन आज अगर मीरा भाईंदर में ये सब चीजें हो रही है तो हमारे नगर सेवक का फर्ज बनता है आके देखने के लिए, या हम आम जनता को रोज रोड पे उतर के बात करनी पड़ रही है। क्यों बिल्डरों की मनमानी चल रही है, अगर गार्डन है तो गया कहाँ, आप देखिए कवरेज दीजिए और बताइए हमको। आज सारे एसोसिएशन के लोग नीचे उतरे हुए हैं, इसका प्लीज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। हम रिपेयरिंग करवाते हैं और वो तोड़ते हैं, हम रिपेयरिंग करवाते हैं वो तोड़ते हैं, हम क्या मिडिल क्लास के इतने पैसे हमारे पास भी कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे हमारे पास इतने पैसे। आज ये ठीक करो, आज वो ठीक करो, ठीक करने के बाद नहीं है, दूसरे दिन दीवार गायब है, कहाँ गई। छोटे छोटे बच्चे, हमको कीड़े मकोड़े हैं कि हमारे बच्चे मरेंगे, हम मरेंगे, हमारे आदमी मरेंगे, सबको ही मरते। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, एक आवाज एकजुट होके बोलिए कि आप लोग महानगर पालिका से और प्रशासन चाहिए, हमको मदद चाहिए, हमको हेल्प चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, हमारा काम करके होना चाहिए, तब तक हम मिल्डर को काम करने नहीं देंगे। और प्लस ये काम सब कुछ मिल्डर ही करवाएगा, हम नहीं करेंगे,
पूरा कॉम्प्लेक्स का काम जो ये थी गौरव सिटी के लोगों के दिलों की आक्रोश जो हमने आपके सामने पेश की। लोग कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं इसका अनुमान तो यहाँ आए हुए लोग ही बता सकते हैं। पैर से भरे भरे कीचड़, पानी, डेंगू के मच्छर, गंदगी, छोटे छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन, सभी लोग इतनी समस्याओं से घिरे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी दरख्वास्त है कि प्रशासन और महानगर पालिका जल्द से जल्द कार्रवाई करे और गौरव सिटी के लोगों को इंसाफ दे। मैं दीपाली मिश्रा, कैमरामैन आरिफ के साथ, सिटी न्यूज, मुंबई। मीरा भाईंदर शहर में 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने पूरी जोरों शोरों से अपनी ताकत लगा दी है इस अभियान को सफल बनाने के लिए। आपको बता दें, जहां मीरा भाईंदर 2 अक्टूबर को सफाई अभियान करवाना चाहती है, वहीं पिछले 6 सालों से गौरव सिटी के 416 फ्लैट में रहने वाले रहवासी किस तरीके से तकलीफों का सामना कर रहे हैं। बिल्डर मीरा रोड के हार्डकेश गौरव सिटी सोसाइटी में होने वाली समस्याओं का समाधान मानपा आयुक्त नरेश गीते दे पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। देखते रहें सिटी न्यूज, मुंबई।